पैसा भी आपके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है बट डील इज दैट कि वो मुनव्वर फारूक उस प्रोजेक्ट में शामिल हैं तो आप काम करेंगे साथ में क्या मना कर देंगे आई हैव स्पोकन अबाउट इट अर्लियर आल्सो काम है तो मुझे सब देख के खुशी मिलती है और मुझे बहुत ज्यादा मिलती है और आप जब मैं उसके साथ इनवॉल्व हूँ आई फील सो सो प्राउड हाउ प्रोफेशनल शी इज एंड इट कम्स टू वर्क एंड नॉट एवरी पर्सन इज सेम बट हाँ वो

वो आ गया पार्टी में तो वो नखरे के चक्कर में कहाँ जाना है क्या होना है क्या नहीं होना है मैं टाइम निकल जाता है नगर गई है आप कभी <laughs> कौन सी <ना> <laughs> कौन सा नगर जूनागढ़ ओह ओह ये जो अलग पॉडकास्ट चल रहा है ना आप लोगों का जो एक अलग ही कुछ सेगमेंट बना हुआ है रत्तो बेगम एंड शाहबाज यू डोंट नो अस बताने तुमने तो शाहबाज तुम भी ना

क्या फर्क पड़ता है मेरे पल्लू के साथ जो छेड़खानी की है दिल <laughs> दिल दिल की दिल से दिल तक जो अब नहीं करना चाहती वो अब सीधा सपाट अपने भाषा के साथ तमाम लोगों तक पहुंचेंगी उनका नाम है आयशा खान <laughs> मैं आपकी सस्ती सेंशुअल रतो बेगम आज हूँ आदि जो है आज नहीं आ पाया पहली बात तो हाउ आर यू I'm missing Adi then. I would have loved to do it with Adi. Adi super busy. It's been difficult yeah. uh, to get Adi on board. Yeah. Uh, a lot of dramas he do. A lot of payments he asks for. Anyway, how are you? I'm good. Alhamdulillah. How are you? Very good. Rattu Begum. Rattu Begum is good. I love your look. <laughs> Thank you. <laughs> Give the sari to me. I'll do a shoot in this. Ah? The... Okay. So, do you want to wear the sari or do you want to आप बताइए आपका दिल चोरी हुआ अभी तक मेरे तो मैं पिछले पांच मिनट से यहाँ बैठी हूँ मेरा तो दस बार हो चुका है <laughs> किस, किस से बार? <laughs> तो बहुत सेम बोट इन दैट सेंस या चाहते हैं कि जो दिल है आपका कैसा धड़क रहा है अभी स्पीड क्या है उसकी नॉर्मल स्पीड है हैं आजकल अलहमद सावरे गाने क्यों नहीं कियावरे गाना नहीं किया मतलब आजकल गाना बहुत वायरल है वाँग वाँग ना उनका तो किया तो हमने रील हां रील की ना गाना नहीं किया तो आई वाज मतलब मुझ तक आया नहीं वो बट इट्स अ गुड सॉन्ग इट इज अ गुड सॉन्ग आई लव इट दैट्स व्हाट यू सेइंग बिकॉज़ यू पेड और ऐसे हु पेड मी नोबडी पेड मी आई डिड इट फॉर अभिषेक हां यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अभिषेक या ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन दिस फ्रेंड यस एंड आई स्टैंड बाय इट Like stand by the statement that I would do anything for. This is the problem. I posted a story for Isha also today. Hmm. Uh, उसके बारे में किसी को बात नहीं करना वाई अभिषेक लुक की बात कर रहा था मैं आपके जब आप बिग बॉस में गई तो जब जुड़ा था वो इतना गंदा लगा मुझे की बस क्या बताऊ में फिर मैंने अपने टेंथ क्लास के मार्क्स देखे फिर मेरे को आपका जोड़ा थोड़ा ठीक लगा <laughs> हाँ मतलब जब मैं भी आई मीन जब जा भी रही थी तब मुझे लगा कि शायद हम कुछ हमको लोगों के

मतलब जो मैं पैसे खर्च करती हूँ वो मैं खुद कमाती हूँ मैं जैसे हाँ, एक भी रुपए नहीं नो बाबा सो आई थिंक दैट्स फाइन मतलब थोड़ा ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ एंड स्टफ एंड जब आप इतना काम कर रहे हो तो खुद hmm. पे खर्च करने में क्या बुरा है hmm. शाहबाज की सबसे अनोइंग आदत कौन सी है uh, कि वो अगर से कोई काम बोला अभी तुरंत वो तो तुरंत नहीं करेगा He'll take his time to do it, and I hate I it. Like, that. Shabaz, he'll do it. Like, yeah, हाँ तो हाँ नहीं कर दे अभी कर दो टेक टाइम सो आई हेट इट सेम मैं बताऊंगा कौन सी बात में उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया है एक चीज मैं आपको अच्छे <laughs> से बताऊंगा कि वो भाई मुझे कॉल करना पड़ा रात को एक बजे ही हैज दैट हैबिट एंड ऑल ऑफ अस आर डन विद इट बट क्या कर सकते हैं अभी भाई है तो फीमेल दोस्त हैं आपके हां कौन-कौन अ uh, सेफाली माय बेस्ट फ्रेंड और uh, जिसको मैं अपने पहले जब मैं आई um, नो वो आपसे बड़ी थी हां मुझसे बड़ी वो रूममेट थी जो आपकी हाउ डू यू नो शेयर्ड इट सेफाली तो बेगम नाम है मेरा <laughs> जानती नहीं हां मेरे बहुत सूत्र है सो यस सेफाली uh, hmm. सना जो हमारी नेबर है उसका एक्चुअल नाम स्नेहा है बट आई कॉल हर सना एंड धर्म परिवर्तन हां मतलब आई कॉल हर सना प्यार से एंड शी इज माय नेबर जहाँ मम्मी पापा रहते थे वहाँ की सो हर नोयना अगेन शी इज अ 17 ईयर ओल्ड किड एंड या नाजिला

है ना यू माइट फील हैप्पी आवाज़ आ रही है प्रॉपर रत्तो बेगम स्पेशल काम जरूर करती है अच्छा हो मुनावर का नहीं है डरो मत जी <laughs> तो मुझे ये मौका मिला है आज आदि की तरफ से कि मैं दो शब्द कहूँ आयशा के लिए बट uh, मुझे लगता है ऐसा कि दो शब्द क्या कई किताब भी कम पड़ जाएंगे ये बताने में कि आयशा क्या चीज़ है मतलब इतनी प्यारी एक वो ना बहुत ही इमोशनल लड़की बट येट सो हार्ड वर्किंग यू नो इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बो लाइक आई वु नीवर आज बेटर सिस्टर लाइक अ बेटर ह्यूमन बीइंग पर से have as my companion and I, mean, I going through the struggles in her life when she was, I think 15, 16 or 17 ke for shoot how excited she was then usse rejections you know being a kid being a teenager she handled it with so much of maturity so when i is when you know पीपल कम एंड से आम एक फोटोग्राफ फील्स गुड इट फील्स रियली गुड टू सी ऑल ऑफ दैट एंड आई एम सुपर प्राउड एक भाई को मुझे सब देख के खुशी मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है और अब जब मैं उसके साथ इन्वॉल्व हूँ आई फील सो सो प्राउड हाउ प्रोफेशनल शेज वैन इट कम्स टू वर्क एंड हाउ क्रिएट शेज वैन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ तो शे इज़ एन अमेजिंग सिस्टर एंड

अच्छी है तो बेगम बुरी औरत नहीं है। अच्छा काम करती है दिल की साफ है थोड़ी बुरा कोई स... नहीं होता हालात होते हैं बस दिस इज इट ऑल ओह थैंक यू सो मच दिस वाज नाइस मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं ऐसा मुझे कभी-कभी लगता है बट दैट्स फाइन राइट हां इट्स ओके इमोशनल होना बहुत जरूरी है आजकल लोग वही नहीं है बाकी सब हैं दे हैव गुड करियर They are super good in their profession, but the only thing they don't have is love, and they'll. I remember there's a scene in uh, uh, what's that series? Netflix ka the character Devi. Four more shots, please. No, 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 no. Mm. Uh, मैत्री रामकृष्णन आई थिंक लाउड उसके पापा का साथ काट्स हिम्मत कहाँ से लेकर आती है आयशा खान क्योंकि लोग तो गिराने के लिए तैयार थे आज भी हैं और कल भी होंगे वी डिस्कसिंग द सेम द ट्रोलिंग विच हैपन्स दट्टर फैंस ऑफ डिफरेंट पीपल कम्स टू यू बैश यू फॉर एनी थिंग और वट एवर कौन सी दुकान है वो आई थिंक जब यू you नो know, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैं किसी चीज़ के लिए हेट रिसीव uh, कर रही हूँ पहले भी हेट मिलता था अब शायद क्वांटिटी बढ़ गई है ज़्यादा मात्रा में मिल रही है टाइप्स बट आई थिंक ऐसे टाइम पे मैं मतलब घर पे भी मैं ये बोलती हूँ कि बोलते हैं ना मोटी चमड़ी हो गई कि अब फर्क नहीं पड़ता mm. कि ठीक है यार मतलब मैं तो इट्स लाइक आई सी समथिंग रिटर्न एंड आई जस्ट डोंट रीड इट कि ठीक है दिस इज़ नॉट वर्थ माई टाइम मतलब क्या करूँ मैं इस चीज़ को पढ़ कर या इस चीज़ को इंटरटेन करके एट एनी पॉइंट एंड आई दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग एंड आई गेट इट क्योंकि uh, मैं अगर किसी से प्यार करती हूँ या मुझे ही कोई पसंद है बीट माई आइडल और एनीबॉडी तो शायद अगर उन्हें भी कोई कुछ बोल रहा होगा मेरा तरीका अलग होगा डिफेंड uh, करने का मैं शायद हेट ना दूँ बट मैं डिफेंड करूँगी सो आई गेट इट इट्स लाइक इट्स अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर कि जब आपको कोई पसंद होता है एंड यू सी कि उसे किसी भी तरीके से हार्म हो रहा है वो चाहे सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता यू यू फील प्रोटेक्टिव एंड यू स्टार्ट डिफेंडिंग देम, सो इट्स जस्ट अ वेट्स बिन हैपनिंग बट आई जस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड प्यारे कॉमेंट्स mm -hmm. भी आते हैं मेरे पोस्ट पर बहुत प्यारे प्यारे डीएम्स आते हैं लंबे लंबे मैसेज आते हैं इतने प्यारे प्यारे डीएम्स आते हैं आई रिमेंबर अभी हैदराबाद आई वॉज वेंट फॉर अ प्रमोशन एंड ओम भीम बुश माई फिल्म इज कमिंग तेलुगु फिल्म एंड आई एम गोइंग बैक अगेन टू मोरो बाई द वे फॉर अनादर प्रमोशनल इवेंट सो आर फिल्म इज कम तो उसके इवेंट पे देर वॉज दिस गर्ल हु केम अप टू मी एंड शी इज लाइक सो अट्रांग एंड यू इंस्पायर मी सो मच एंड लाइक सी दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई नीड इन माई लाइफ दिस वन स्टेटमेंट मेक्स मी फील दैट आयशा यू अर करेक्ट वो जो सौ गलत चीज़ें लोग बोल रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहना चाहिए एंड एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सामने से आके मुझे बोला हो कि यू नो ओ आपने ये गलत किया आई टेल यू आई टेल यू अ थिंग आई वेंट फॉर अ प्रीमियर फिल्म प्रीमियर एंड आई मेट समबडी एंड uh, मैं इसे सामने खड़ी थी एंड वो साइड में खड़े थे एंड आई न्यू देट ही हैड सेट थिंग्स अबाउट मी वन आई वॉज इनसाइड द हाउस बट आई आई डोंट वॉन्ट लाइक द नेम सो ही केम अप टू मी एंड ही जस्ट पुट हज है आई शर सो सॉरी यू नो मैंने बहुत चीज़ें बोली आपके बारे में जब आप घर uh, में थी बट इट्स जस्ट दैट आई लव दैट बॉय अ लॉट आई सेट सर इवन आई हैव लव दैट बॉय अ लॉट सो आई गेट इट इट्स ओके and it was like, damn, I'm like, huh. I, I mean, we get it. i get it. i understand that. i've been in love. i get it how protective you feel when something like this happens. so it's fine. it's just that i've been the only one in love. <laughs> Yalla. you can't talk about love. I say. <laughs> aisha, we can cut it. it's just that i was being candid. i'm so sorry. no, you can. you can talk, of course. अब, uh, I always say that it's so difficult to love people now that you have already lost the trust to trust people. I believe it's so difficult. How do you trust Abhi? I mean, uh, it would be wrong if I say कि अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करना चाहती है दिस एंड दैट. Not every person is same, but हाँ वो वो तो खटक तो रहेगी. And I feel अ uh, because of your past experiences, you shouldn't be

गाना बहुत पसंद है मुझे तेरी गली में तेरी गली में <laughs> तो वॉन्ट टू नो योर गली मोहल्ला वे यू स्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम जहाँ पे बचपन बिताया सारी चीज़ें की खेल कूद की बचपन में कैसी थी आप uh, मैं uh, हमारा बचपन uh, हम आई थिंक मेरा बचपन टिल फिफ्थ स्टैंडर्ड हम आयरोली में रहते थे एंड इन इन लाइक Uh, मेरी पैदाइश जुहू के एक हॉस्पिटल में हुई थी काम एल बिज में then, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कब हम आईरोली शिफ्ट हुए बट जब से मैंने होश संभाला आई रिमेम्बर हम आइरोली में रहते थे एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड में हम शिफ्ट हुए पनवेल कलम बोलिया एक्चुअली इट्स नियर बाई टू पनवेल एंड वहाँ रहे आईरोली में लाइफ अच्छी थी वी वर इन अ रेंटल फ्लैट बट मम्मा को ऐसा था कि खुद के घर में शिफ्ट होना है वो खुद का घर कालम्बोली में था बट इट वॉज अ बिग एरिया डिफरेंस लाइक आई रोली स्टिल थोड़ा यू नो अच्छा एरिया दिस दैट थोड़ा कॉलम्बोली पीछे था नॉट सो डेवलप दिस दैट बट मम्मी को ऐसा था कि नहीं नहीं खुद के घर में ही रहना है बहुत जीली भाड़े वाली ज़िंदगी ये वो ये वो चलो ठीक है आ जाते हैं फिर यहाँ आए तो बहुत था चीज़ें माहौल इतना अच्छा नहीं था बट देन धीरे धीरे विद टाइम एवरी थिंग हैपन स्कूलिंग वहीं पर हुई पनवेल में डी ए वी पब्लिक स्कूल पनवेल सो so, वहाँ से स्कूलिंग हुई मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगल्स रहे हैं अपने पूरे प्रॉपर स्ट्रगल लट mm. uh, कभी भी यू नो एट एनी पॉइंट ऐसा नहीं लगा कि ये लाइफ क्यों क्योंकि पता नहीं हमेशा से मुझे भरोसा था कि मैं कर लूँगी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लूँगी <laughs> एंड द प्रॉब्लम इज ना कि मैं भी एक विक्रांत सर की एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पे वो अपने यू नो पास्ट लाइफ के बारे में या घर वगैरह के बारे में बात कर रहे थे एंड दैट जस्ट मेड मी रियलाइज कि हम लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है दीवान न जहाँ पे लिफ्ट में जो वॉचमैन को अलग लिफ्ट से जाने के लिए बोला जाता है नहीं नहीं मैं विक्रांत सर की इंटरव्यू दे रही थी अच्छा आई डेंट सी दैट पार्ट आई सॉ वेर ही वज टॉकिंग अबाउट की हाउ हिज फ्रेंड्स केम टू हिज हाउस एंड देन उनका बिहेवियर चेंज हो गया दिस एंड एंड दैट आई हैव एक्सपीरियंसड इट इतना ज़्यादा कि वो देख के मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज दिस आई हैव इट ये मैंने भी देखा है एंड वही लोग अब आपके साथ यू नो उनकी बात करने का तरीका अलग होता है एंड सब कुछ अलग होता है एंड एज ऑडियंस ही हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है कि जब तक इंसान सक्सेसफुल नहीं हो जाता है और तब वो अपनी जब दुख भरी कहानी या यू you नो know, ऐसी कहानी सुनाता है तो लोगों को बहुत इंस्पायरिंग लगती है बट वही इंसान अगर उसी स्टेज पे वो कहानी सुना रहा हो तो आप उस पर यू नो यू लुक डाउन ऑन दैट पोजन सो दैट्स पेयर आई फील हम भी गलत हो जाते हैं कहीं ना कहीं एंड आई फेस्ड इट आई आ वट फ्रेंड्स जो घर पे आए हैं एंड लाइक अरे कितना छोटा घर है उसका ये रहती भी कैसे यहाँ पे एंड दिस्ट दैट तो हुआ है बट आई वॉज वेरी प्राउड बिकॉज माई फादर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसका मुंबई में खुद का घर था तो so, मेरे इट वॉज़ लाइक अरे मेरे पापा का मुंबई में खुद का घर है कैसा भी हो डज एन मैटर घर है उन्होंने खुद अपनी कमाई से बनाया है दैट्स अ बिग डीलैंड और

Ex because I was not expecting this, that I'll have this bond from that part. <laughs> Same, even I didn't. But I was like, I remember I came back home and I told uh, Shahbaz, Baz, yeah, he's so nice, yeah, he's so sweet. And I was like, I'll, I'll text him this, that. I tried searching for mm. your Instagram, but I couldn't find it. And then when I later did, I was like, oh, let me follow him, let me text him. <laughs> what was Shahbaz's reaction? He was like, yeah, yeah, if you speak to him, talk to him, this, that.

लाइक फुल बॉलीवुड मसाला या फिर एक्सट्रीमली ऐसा कोई गाना जो किसी ने ना सुना हो फिर तो मैं अगर वो देख लेती हूँ किसी और ने सुना तो मुझे ऐसा लगता है यार What is this? ये तो मेरा गाना था mm. ना बट आई लव लिस्ट टू सॉन्ग्स पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं आप हाँ देखे हैं अभी थोड़ा कम हो गया है हाँ आई लव इकरा इतनी सुंदर है वो माशाल्लाह इतनी सुंदर है इकरा से ज्यादा आई लव दी सास ऑफ इकरा ना जो इन नादिया गाने फ्रॉम टेकिंग द नेम राइटली आई लव हर द वे शी हैज कैरीड द कैरेक्टर सो गुड सो गुड तो अगर मौका मिलेगा दुबई में शूट करने का <laughs> मैं कह रही हूँ हाँ <laughs> सवाल भी नहीं सुनी लड़की I'm up for it please अगर किसी पाकिस्टानी भी पाकिस्तानी ड्रामा करना चाहती हैं I would love to यार उनका content देखिए पहली बात आप मुसलमान हैं और दूसरा पाकिस्तानी ड्रामा करना चाहती हैं तो क्या दिक्कत है मोदी जी घर आ जाएंगे हमारे आपको पता है यहाँ आएंगे पहले फिर हम आपका एड्रेस देंगे कोई बात नहीं यार क्या गलत कर रही हूँ मैं मैं काम ही तो करने के लिए बोल रही हूँ ना क्या ही

Right, okay. in answering them uh, because people call me Sasta Johar, taking it as compliment. Now I'm Ratto Begum, so taking it as compliment. So, three things which are yellow in color yellow in color, mango, traffic signal, and any cloth. Any cloth is not yellow. Any any, any What Thri is yellow? What is neem? sun. Sun Neemu. is yellow. Okay, chavo. Sun. Three Bollywood films uh, starts with D. Trisham, Dishum, Dawn. Thank God, it's a Trishum, One, two, three. Three things you do in bed sleep, eat, wake up. Wow. <laughs> Three things you do in your, in your washroom wash your hands, wash your face, and pee. Wonderful. Interesting. Very, very boring things you are doing. Thank you so much. <laughs> Three things you do with your fingers knuckle, tuck 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 tuck, I keep doing. Oh my god. And? And bite your nails. Okay. And eat. Eat. You eat with your fingers? yeah okay we don't eat by hand but so. you eat from your fingers only right yeah yeah, yeah. three things you do uh, at the very first date in your first date what i would do i don't even remember going on a date for the longest time date uh, no no we we know everything about each other oh wow so uh, on a first date, i would like to know the person uh, know how much he's attached to his family. Oh wow! Uh, and uh, eat a lot. A lot? Yeah. Eat. Uh, share music. First date? share music. Yeah. I don't know that. If agar mera music taste match then I know okay, we stand somewhere. Three things uh, you do with your phone? Uh, I use Instagram. I call. I text. Who? I text shabbas and Sarvesh. These are the two people I speak to the whole day. Sarvesh is मतलब Any time you see me on call, you have to know that it's Sarvesh. Who is Sarvesh? He is the person who manages me, also the owner of the agency I'm in. And a friend, yeah. a very dear friend. A lot of friends you have, no? Yeah. Good to have friends. Yes, good friends.

Profession also you can come across with like which profession should not be there? Uh Should not have. He should not be possessive. Over possessive. Whatever. Over possessive. Yeah, I mean, I'm fine with. Why I'm giving? We, I mean, we have same things to say. <laughs> I mean, that I'm, is the thing. I mean, I'm fine with somebody who's protective. That is fine, but yeah, of course, not over possessive like mm. over things. Like not yeah. And uh, what do I not like? I, I'm not aware. I'm, I don't have that criteria. I'm like... Hmm. Because... I don't I love here I And uh, we'll have to figure this out together. Adi, what से? do I not together. want? Together. What do I not want in my partner? I don't want people who who are not very up with the labels. I can't work with somebody... I, I don't like people who... Uh, like when they speak... दे स्पीक एनीथिंग लाइक द पर्सन शुड नो कि वो क्या बात कर रहा है किससे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है हर किसी से अराउंड ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया बोलने का ढंग नहीं है टाइप्स, वैसा नहीं होना चाहिए थर्ड वॉट शुड द पर्सन नॉट है सजेशन फ्रॉम शाहबाज विल बी अप्रीशियटेड हाँ वही आई हेट

और आयशा न आई वॉज मैं नीचे छोड़ने जा रहा था कोई लड़का गिर भी गया था, था लिफ्ट के पास। <laughs> 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 भाई वो ना आई कान क्या मस्त एक एक कोई तो भी ना देसन जो आके डांस कर रहा था मेरे साथ मस्त डांस कर रहा था ना फुल इम्प्रेस दैट अच्छी खासी पर्सनैलिटी वो मैं नीचे छोड़ने गया आपको है ना नीचे आ, हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे वो दरवाजे के पास खड़ा पीछे गिर गया बेचारा यू डेंट सी नो यू आर एबसेंट नो दैट डे आपका दिमाग नहीं और था <laughs> भाई वो गिर गया बेचारा आई फेल सो बैड बेचारा ना ना उठाया उसको नहीं अभी तक वही है यू डोंट हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर थैंक यू सो मच इसलिए आई नीड दैट इन माय पार्टनर ना हां ओके okay. सो वी गोइंग हेड विद अनदर सेगमेंट जिसका नाम है दी हैश टैग शो दिस इज सो वायरल सो एल बीविंग सम ऑफ दी हैश टैग्स जो भी सुटेबल लगे वो बता सकते हैं पहले भी कर चुका हाँ हाँ बिग बॉस में गया था बिग बॉस ओरिएंटेड मुझे क्या पता दे दे इट्स देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग थ्री थिंग्स आई डोंट वांट इन माय गेस्ट दे शुड नॉट बी क्लमजी दे शुड टॉक कॉन्ट्रोवर्सीज एंड That's all. I don't think hard one. सब आप जाइए फिर मैं तो मैं सच्ची में <laughs>

दो जिगरी दोस्त पता नहीं में किसको देंगे आप मेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसा बोलो ना ईशान ईशान माय बेस्ट फ्रेंड इज दो ईशान इज माय बेस्ट फ्रेंड ईशान खट्टर नो बाबा ईशान गुप्ता गुप्ता दुकान है उनकी इधर <laughs> नहीं ओके okay. बट बहुत सारी है उनके पास दुकाने गुड हार्ड वर्किंग बॉय क्या सस्ते कपड़े पहने लेके जाती ना तो इतने का लेके आती तुम्हें बचपन में ईद में जब घर में इतनी तकलीफ होती थी तब भी दो हजार के कपड़े दिलाती थी ओके एंड देर आर टाइम्स लाइक

कितना बोझ उठा। जो उठाया <laughs> ये तो क्या ही है नहीं <laughs> मैं नहीं मैं मैं वर्कआउट करती हूँ सब करती हूँ तो उठा क्या खरीदा आपने लास्ट टाइम डीमार्ट मार्ट से जैसे सनफ्लावर ऑयल ये सब बहुत बेसिक्स है जब हम छोटे थे <laughs> तो <laughs> तब तो हमारी मम्मी हमें आधा आधा किलो चीनी लेने के लिए भी डीमार्ट भेजती थी बिकॉज डिमार्ट में दो कम मिलता था अच्छा आई नो दैट हाँ डिमार्ट में चीज़ें कंपेरेटिवली सस्ते होती है Oh, comparatively, comparatively साउंड करने होंगे हाँ, वो ऐसा, में तो नहीं, देते? नहीं ना अभी शुरू नहीं हुआ नहीं और चाहिए भी नहीं फ्री में यार सबका अपना अपना काम है

तो कहती है सब नहीं। नहीं। ये जो आया हुआ है सब चावल का ही आया हुआ है उनके हिसाब से आप चावल मत खाओ आप पतले रहोगे और नारियल पानी पियो आपको कोई बीमारी नहीं होगी ऐसा मेरी मम्मी को लगता है उनका खुद का तीन चीज़ें जो घर पे जिसके बिना आयशा नहीं रह सकती है खाना फूड कुछ विल यू नो ओवरऑल सब कुछ Uh, मेरा मैट्रेस जिस पर मैं सोती हूँ एंड uh, पंखा मुझे सोते वक्त पंखा चाहिए ए सी का पता नहीं पंखे की आवाज़ आती रहनी चाहिए तो मैं सो पाती हूँ वो आवाज़ इतना मैंने बिग बॉस के घर में मिस किया है ना वो नींद था नहीं ना पंखे नहीं है ना वहाँ पे अच्छा हैश टैग बिगड़ैल हैश कोई भी बॉलीवुड या यार मैं किसी को जानती थी बिग बॉस यू नो अलॉट पीपल

कोई भी नहीं था यार सब अपनी चीजें खुद कर लेते थे शाबाश बेड़ा नहीं लगता आपको नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं खुद को बोल सकती हूँ बिगड़ेल बट शाबाश बिल्कुल नहीं <laughs> #आलसी अह या आई एम आलसी यू आर हां एट लाइक टू आलसी अनलेस काम है तो ठीक है उसके अपार्ट यू विल ऑलवेज फाइंड मी ऑन अ मैट्रेस सेम Until I'm in the office exactly. Right? Until I'm working, I'm on a mattress. Hashtag yeah. party pooper. Party को खराब कर देता types. हमारे oh. uh, party ko to. मेरे friends होते क्या बोल सकती हूँ मेरे friends होते क्या बोल सकती हूँ हमारे friends circle से friend oh. friend I would consider Vikas a party pooper. He's a friend of mine. It's like um, इसके बहुत नखरे होते हैं सो इट्स लाइक वो आ गया पार्टी में तो वो नखरे के चक्कर में कहाँ जाना है क्या होना है क्या नहीं होना है मैं टाइम निकल जाता है हैश टैग खर्चीला आई एम खर्चीला yeah. Who else is? Now, what do I answer? I can speak about my friends. अब मैं बिग बॉस के में से मुझे कैसे पता कि कौन खर्चीला है? But why hai? you are laughing, Shahbaz? Tell me the story. Do you think I'm not खर्चीला? Then I, that's fine.

पूछा भी नहीं कुछ, कुछ पूछो ना पूछो पक्का जवाब नहीं देना मेरा मेरी मर्जी ना मुनावे का टैक्स फैक्स नहीं है आपको हाँ कब तक चकली भी हटा ली मैंने I would not I would not want to answer any personal questions thank you याद रखना किसी पार्टी में मिलोगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कैसा लड़का चाहिए मुझे टॉल hmm. वॉल के अलावा एज एन मतलब कि अभी उसके बावजूद मेरे मुझे... भाई जैसा क्यूट hmm. तो है तुम्हारा भाई अच्छा लड़का एक, एक सेकंड मेरा फोन 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 मेरा oh. फोन बज रहा है <laughs> ये, ये वो ब्रोकर का कॉल <laughs> तुम घर ढूंढ रही हो किसी के दिल में कि मुंबई में आदि मुंबई में ढूंढ रही थी बट अब मैंने फैसला किया कि मैं नहीं फैसला था? किया तुमने फैसला बाद जाके <laughs> जूनागढ़ गई <है> आप कभी <laughs> कौन सी <नागर>? <laughs> <laughs> कौन सा नगर <laughs> जूनागढ़ <laughs> ओ, ओ, अभी बोलती हाँ नहीं <laughs>

अगर किसी चीज़ को मैं अपना स्ट्रगल पीरियड में ऐड करना चाहूंगी तो इट वुड बी दो प्रिंट शूट इट विज़ आदि आई कांट एक्सप्लेन आपको दस मिलते हैं ठीक है उसमें 10 15 कपड़े बदलने होते हैं ना एक साथ वेट वेट 10000 हाँ। कपड़े 10000 पैसे 2000 कमीशन जाएगा ठीक है यू हैव टू ट्रैवल टू सूरत फॉर शूट सुबह सुबह आप ट्रैवल कर रहे हो सुबह आठ नौ बजे का कॉल टाइम साठ से लेके अस्सी कपड़े यू हैव टू चेंज रात का पैकअप दस नौ दस ग्यारह जब तक आप कंप्लीट कर रहे हो तब तक हैवी गारमेंट्स आप चेंज कर रहे हो खड़े रहना पड़ रहा है पूरा टाइम हील्स पे और रात को शूट ख़त्म होगा उसी वक्त पैकअप हुआ आप अपने चीज़ें पैक करो एंड गो बैक टू मुंबई एंड आई स्वेयर मतलब इतना टफ होता है ना अभी भी बहुत आई I मीन mean, कितनी मॉडल्स हैं कितने लोग हैं जो वो प्रिंट शूट्स करते हैं लोग 120 200 200 सौ गारमेंट्स चेंज करते हैं यार एक दिन में तो हमें लगता है हम बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में विच इज़ नथिंग लोग बहुत कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में एंड आई रिमेंबर आई हैड गेंड वेट आफ्टर माई एक्सीडेंट और उस वक्त मेरा अर्निंग का एक ही जरिया था वो ये प्रिंट शूट्स थे और जब वेट गेन कर लिया तो आई इज़ लाइक शिट अप अब ये भी गया एंड आई रिमेंबर एक क्लाइंट है हमारे राजेश जी फ्रॉम अहमदाबाद दैट मैन उन्होंने मुझे उस टाइम पे जब आई हैड यू नो एकदम एक्ने स्किन पूरी भरपूर एक्ने था स्किन पे आई हैड हेड गेंड वेट मैं लाइक like, कमेंट्स में नहीं दिखती थी अट्रैक्टिव लाइक आई वॉज आई वॉज ऑलवेज प्रिटी बट वो होता ना एक ओवरऑल आप इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो टाइप्स आई वज सो सेल्फ कॉन्शियस इन स्टफ एंड उस टाइम पे राजेश जी ने मुझे काम करवाया प्रिंट शूट्स करवाए सो थैंक्स टू हेम ये ना अपनी गोद में रख लो थैंक यू मुझे चिप्स थे दो आई एम फीलिंग ईटिंग बाल झड़ते हो तुम्हारे यहाँ ना सबके हमारे भी इंसान ही तो हूँ यार नहीं मुझे लगा है कि अब तो पैसा वैसा सब है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट treatment शुरू कर पैसा सब कुछ नहीं ला के देता दिल भी नहीं ला के देता वैसे पैसा आपकी नीड्स पूरी कर सकता है पैसा जरिया बन सकता है आपकी खुशी का फॉर hmm. So, मुझे कोई कपड़ा लेके खुशी मिलती है तो वो पैसे से मिल सकता है जरिया बन सकता है बट पैसे से खुशी थोड़ी आती है सही कहा ना मार के भागेगा शाबाश में चला गया नहीं नहीं उस भाई हम्म वेट द तो टॉकिंग वेरी ये जो अलग पॉडकास्ट चल रहा है ना आप लोगों का जो एक अलग ही कुछ सेगमेंट बना हुआ है रत्तो बेगम एंड शाबाश यू डोंट नो अस बता नहीं तुमने शाबाश तुम भी ना बताओ इन्हें हम तो सिर्फ बाय द वे फ्रेंड्स हैं

शाबाश घर पे डंडे पड़ेंगे जब सेलर थे तब मिली शाबाश का पॉडकास्ट नहीं है ये और शाबाश के आस... बारे में सबको सब कुछ नहीं पता है शाबाश इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन ही वुडंट लाइक इट हां मम्मी देखेगी अच्छा मदर डिड नो नो इट्स इट्स जस्ट अ सिक्स मंथ्स रिलेशनशिप आई विल गया बेटा खत्म

Uh, हाँ मीन वाई नॉट लाइक काम अगर आएगा टी वी तो भी, भी तो आ ही रहा होगा ना टी वी ये आई वज अप्रोच बट बिकॉज अभी साउथ का जो मेरा काम है वो काफ़ी लाइंड अप है तो फिलहाल उस पर फोकस है पैसे है साउथ में की बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा फिल्म और टी वी में आपको ऐसा लगता है टी वी क्यों ही करूँगी डी फील देट नो इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि अरे मैं आई मीन पहला काम जो मेरा था जिसने मुझे थोड़ी पहचान दी थी वो टीवी पे ही था बालवीर बालवीर सो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे लगता है कि आप टीवी करते हैं तो ये नहीं कर सकते हैं ये है तो वो नहीं है बेस्ट एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल समबड़ी आई लुक फॉरवर्ड टू इज मोनाल ठाकुर आई लव दैट लॉट एंड आई रियली लुक आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉर सो आई थिंक उन्होंने वो स्टीरियोटाइप

No, I'm calling the show Agadra. I mean, it was a very up and down roller coaster, coaster kind of a thing, right? Makers say, "Khafa hai thodi bhot." Um, khafa nahi hu. I mean, it's at the end of the day, it's a TRP show. So, आप भी यहाँ TRP के लिए हैं. मैं क्या? आपको आपको चलेगा अगर इसको views नहीं आएंगे. लेट्स नॉट लाई ऑल ऑफ अस आर बिहाइंड आपको चलेगा अगर आपकी ब्रॉडकास्ट व्यूज नहीं आएंगे नहीं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ऑल ऑफ अस मैं भी अगर कोई YouTube वीडियो बना रही हूं तो कुछ भी कर रहे हैं हम एक कंटेंट अगर प्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ कोर्स वी आर डूइंग इट फॉर द ऑडियंस फर्स्ट बट यू वांट व्यूज राइट द वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट नाउ आप कोई रील डाल रहे हैं एक कांस्टेंट आपके दिमाग में होता ही कि अरे मैं देखूं कितने व्यूज़ आए कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ सो आई थिंक इट्स जस्ट हाउ द वर्ल्ड हैज बीन दीस डेज तो सर तो, Of views हमें तो शादी भी भी डिस्कस किया ना पुराने में कि करेंगे करेंगे कैसे प्रोग्रेस इन दैट नहीं का भी कुछ नहीं का कुछ है अभी मैं ठीक आ... ये वही लड़की होती है शाहबाज से पहले शादी करके बैठ जाएंगे छे को... नहीं ऐसा तो पक्का कभी नहीं होगा। हाय प्लीज मम्मी, मम्मी नमस्ते मेरा नाम है रत्तो बेगम उर्फ आदि शावाज जो आपका बेटा है ही इज डेटिंग अ गर्ल प्लीज चेक ऑन आई टेल यू यू मम्मा ये सब स्क्रिप्टेड है आ, शो के बावजूद आप पुराने कुछ लोगों को जानती थी है ना जो आपके दोस्त रहे हैं जिनसे बात भी हुई है एंड शो के बावजूद जब खत्म हुआ और चीजें हुई फिर आपने लोगों से मिली भी होंगी तो

myself like i myself am not ready for a relationship i cannot give that hundred percent in a relationship so why i spoil and waste somebody else's time so how much time you'll be taking to move on adi can you let me breathe i'll just become single you know i mean you're happy being but, single yeah i'm happy being single it's a nice thing i feel

i guess this is one of the reasons we are connected so much yeah. apart from being yeah the kind of conversations we have is one of and we don't talk much it's yeah. just i believe one message says it all then yeah. i put another message then thori sibatoti then she, she's gone or i am gone yeah but it's wonderful there yeah and i genuinely i want to say, say this that uh, adi may come across as a very controversial person this that, but he's a very sweet guy and uh, off camera trust me uh, there has been an incident escape bath i was like adi i love you <laughs> and i mean i want to be connected with you i want to know you as a person interview and all T K. that's mm. professionally that's a different thing but as a human being i, I love you image <laughs> 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 but then i didn't knew you so there was no judgement about you and that night i felt like there was no reason for you to do what you did for me so it was like

सो आई फील्ड इन दैट एंड देन उसके बाद जब रिजल्ट आए तब तक मैं काम करना शुरू ऑलमोस्ट कर चुकी थी ऑडिशंस वगैरह दे रही थी सो आई टोल्ट माई पेरेंट्स की आई फील दिस इज नॉट वेर आई बिलोंग आई ठीक है ना मैं चाहता हूँ अपनी मम्मी और तमाम अपनी जिंदगी की जो औरतें हैं महिलाएं हैं उनको मैसेज दें क्योंकि

सो इट्स लाइक कि कोई और ये करेगा ही नहीं कभी आपके लिए पूरी ज़िंदगी कोई आपके लिए ये चीज़ें नहीं करेगा एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे अम्मी अबा दोनों हयात में आना है जस्ट होप कि मैं उनको सब कुछ दे पाऊँ वो आई फील जेनली फील वेरी प्राउड कि यू you नो know, uh, जो भी है जैसा भी अब जस्ट आई टेल यू वन थिंग दैट रिमेंबर दैट डे ऑल्सो थोड़ा वो हो गया था कि कैब में जाना है रुके हैं कैब नहीं आ रही है दिस दैट बिकॉज आई डोंट ओन अ कार एंड uh, yeah. शायद पापा अपनी पूरी ज़िंदगी uh, हमें पढ़ाने में और इन चीज़ों में इतना लग गए थे कि उन्होंने खुद की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं की है। उन्हें ज़रूरी नहीं लगा कि एक कार लेना ज़रूरी है शायद वो हमें एक लेवल कम स्कूल में पढ़ा देते हैं और अपने लिए कार ले लेते ले हैं एक फैंसी घर ले लेते नॉट लाइक ही कोडन अफोर्ड इट बट उन्होंने उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा तो भी परसों हम गए थे कार देखने के लिए एंड सो मा एक तो इतनी छोटी सी है ना कि वो कार पे चढ़ भी नहीं पा रही थी <laughs> तो वो जब कार में चढ़ी और बैठी थी और ड्राइवर uh, uh, बैठा था एक वो टेस्ट ड्राइव वाला वो आगे बैठा था एंड शाबाज बैठा था मम्मी और पापा बैठे थे और मैं वो विंडो से ऐसे करके उनको देख रही थी तीनों को एंड जस्ट मेड मी फील के यार कर रही हूँ मैं मतलब ये देना था मुझे पापा को और पापा हमेशा कहते थे कि मैं कोई गाड़ी ऐसे नहीं सीखूंगा मैं तभी सीखूंगा जब मेरी खुद की गाड़ी आएगी तो आई वॉज लाइक ओके दिस इज फाइनली हैपनिंग गाड़ी दूंगी <laughs> इनको खुश रहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं मतलब आया हूँ कैब और ऑटो का ऑप्शन है ना तो मैं ऑटो में जाऊँगी मुझे कार में कैब में इतनी घुटन और मोशन सिकनेस की वजह से इतना मतलब अजीब सा फील होता है बट मोशन सिकनेस क्या उल्टिया लगना बोलते हैं उसको मोशन सिकनेस ही हुआ ना वो

सो स्पीकिंग ऑफ दैट कि मॉम डैड दोनों नॉट जस्ट मॉम एंड ऐसे वो बोलने वाली बात हो जाएगी दैट ओ मदर्स डे की जरूरत नहीं है हर दिन माँ का दिन होता है नट जेनविनली वही चीज़ है कि uh, आप जितना भी अप्रिशिएट करना चाहें कम है पेरेंट्स को एंड स्पेशली जब पेरेंट्स ऐसे हो कि वो इतना सपोर्ट करते हैं और इतना साथ देते हैं लुक्स को लेकर कंपेरिजन हुए हैं आपके कभी

ये जो क्रॉस पॉडकास्ट चल रहा है ना <laughs> एक वीडियो दिखा देता मैं गाइस जस्ट शोइंग दिस रिमेंबर आई हैव दिस वीडियो ऑफ योर्स मैंने आ, आपकी आ, वो फोटोग्राफिक जॉब निकाली थी आपके लिए शी इज लुकिंग टू क्यूट कौन से कैमरे में दिखाऊं जिसमें भी देखना है वो मैं पिक्चर्स क्लिक कर थी नाविद कह रही थी नाविद वाज कैरिंग कैरिंग दिस लाइट्स या

जब मेरे साथ झूठ बोलते हैं ना भगवान उसका बुरा करता है पता है ये खा के पेट में दर्द ना हुआ ना मेरा नाम देना दो मिनट के लिए बहन हमें तो फोटो नहीं मिलती आपकी पिक्चर पोस्ट बनाने के लिए पुरानी सदियों पुरानी वो पिंक वाला कोई है टायर वही डाल रहे हैं हम लोग अच्छी गुड फोटोज यू नो भाई फोटोज खिंचवाओ कांटेक्ट करो यू हैव टू पुट मोर फोटोज सो दैट न्यूज़ चैनल्स जो आपकी फोटोज उठा के यूज भी तो करेंगे ना बहन अब हम वो पुराने उसी पे पिक्चर पोज़ बनाते हैं खबरें छापते हैं क्या बोर हो पुरानी चीजों की बात ही अलग होती है यार सारी दुनिया ना दिस इज बैंग धोखा गया हमने आपके साथ मसाला लग गया मेरे हाथ में जो आपको चाहिए था हल्दी तो नहीं लगी इश्क की वक्त आएगा तो वो भी लगेगा और आपको बुलाया भी जाएगा किसके लिए हल्दी लगाने के लिए और मुझे लगा मुझरे के लिए बुक में शाबाश बैठा उधर ऑर्डर नो नो आई एम बेटर पीपल ए यू हैव नॉट सीन मी देन यू डांस वेरी वेल आई डू मैंने आप मसाला सोफे पे पोछ दिया आई एम सो सॉरी

No, he was only taking care of all that. Uh, what? <laughs> I, <laughs> I think he's looking very. I think Shahbaz doesn't like being appreciated. है ना? One thing. होता है ये. He gets very awkward. घर के मर्दों में ना थोड़ी problem होती हैं. नहीं नहीं हमारे घर के मर्द बहुत अच्छे हैं. Even Shahbaz was looking very wonderful in the recent uh, Goa pictures. Yeah, मैं भी Goa जा रही हूँ. Don't ask me अभी किसके साथ है ना. किसके साथ है ना? It's a fun trip. Solo trip. I'm not sure. I'm asking my friends if anybody is available. Were you going? North or south? I have I've never been to I've Goa. I've been to Goa for two days. I've never Abi. been to Goa. This is my first time in life. It's fine. You there were a lot of first times we've gone through. Yeah. To Temakan. Background Night rides? <laughs> Kis pe? Night rides.

But uh, no, we have not been on any night right? But yes, I've met Ankita ji a lot of times after the Big Boss thing. Ankita is a wonderful person. She is. I mean, I love her. तो उनको कोई तो पसंद करते हैं। बहुत लोग पसंद करते हैं। एक पूरा देश पसंद करता है उनको पवित्र रिश्ता के बाद से उनके काम के लिए। So defending. ऐसा मेरे बारे में कोई बोले, you would have not done that for me अगर कोई। I would to... have done it for you also. Why not? मेरी बुराइयाँ सुनी है कभी ऐसा कुछ? नहीं। कभी नहीं सुनी। नहीं। कभी नहीं। नहीं। चलो अच्छी बात है। अच्छाइयाँ भी नहीं सुनी It's good that. Yeah. I believe. मैं वैसे I think basically circle में नहीं बैठूँ जहाँ people would have spoken about you. But uh, I mean, it's not even about defending her. Hmm. Uh, I have a very different relationship with her and मतलब hmm. I love that woman. I have my own reasons to love and respect her. उनके पति भी आपको थोड़ा like करते हैं ना? मुझे वो पसंद नहीं बहुत अच्छे लगते हैं विक्की भैया को मैं बहुत पसंद करती हूँ. विक्की भैया? Yes. सी दैट इज द प्रॉब्लम आप हर रिश्ते को खराब और गंदी नजर से नहीं देख सकते आप कैसे किस चीज़ को देख रहे हो वो होता है आई रिमेंबर जब मैं गई थी तभी कुछ एक हफ्ते के अंदर ही आई टोल्ड विकी भैया कि भैया मैं आपको राखी पे रक्षाबंधन पर राखी बांधने वाली हूँ सो

लॉन्ग टाइम है आई I मीन mean, आज सुबह क्यों डीमार्ट में सब्जियां अच्छा नहीं मिलती डीमार्ट से सब्जी नहीं मम्मी सब, मम्मी सब्जियां लेती है वो प्रॉपर रोड साइड पे जो अच्छा मदर गोस हां हां बट योर मदर इज नेवर कैप्चर्ड ऑन कैमरा तो उनके लिए आसान होता होगा ना एंड शी डजंट लाइक ऑल ऑफ दैट सो शी वुडंट लाइक बीइंग कैप्चर्ड आई बट आई वांट टू मीट योर फैमिली प्लीज डू है ना दे विल बी वंडरफुल एंड आई बिलीव आई डोंट नो इफ दे हैव सीन मी और नॉट आई डोंट नो आई मीन आई थिंक नाउ दे विल सी यू बट व्हेन यू My parents, I mom is so super loving.

टाइम तो फॉलोइंग बहुत पहले से ही तो इग्नोर मी ड्यूरिंग यू ड्योरिंग इन बिग बॉस आई टू इंटरव्यू शाबाज तो इनको लगा कोई और इनको परेशान कर रहा था एंड वो थोड़े यू नो आई डोंट नो किस तरह के वो जर्नलिस्ट थे वट एवर ही मैंशन बाद में उन्होंने मुझे कहानी बताई तो ई इज़ लाइक आई थॉट इट्स यू एंड आई इग्नोर योर टेक्स्ट और मैंने उसके भी वो कर दिए तो वो कंफ्यूज हो गए तो फिर उन्होंने बाद में करके आई एम really रियली सॉरी जब पहली बार हम मिले थे इंटरव्यू के लिए तभी इन्होंने मुझे बताया था एंड यस आयुषा फॉर यू एंड ईशा मालविया मैंने गोवा के ट्रिप जो है ना तीन दिन बाद ज्वाइन की थी माय माय होल ऑफिस वाज इन गोवा दैट टाइम व्हाई बिकॉज़ ऑफ मी या बिकॉज़ इंटरव्यूज वर हैपनिंग आई एम लाइक नो आई विल गो आई विल इंटरव्यू आयशा खान टू टाइम अगेन थैंक यू वर यू पेड फॉर इट वर यू पेड फॉर दोस इंटरव्यूज

किस तरह की फिल्में करना चाहती है आयशा खान रोमांटिक एक्शन थ्रिलर सब कुछ प्यार में धोखा कुछ कमर्शियल फिल्म प्रॉपर कैरेक्टर बेस्ड फिल्म हर तरीके आई एम ओपन टू डू वॉच सिनेमा बट मेरी अगर स्टार्टिंग के 10 मिनट मुझे बहुत यू नो कैची नहीं लगे तो फिर मैं नहीं देख पाती मतलब मैं थोड़ा वैसे हो जाती हूँ हो हैं आप? रिया नहीं देख पाऊंगे मुझे आदत है पुरानी पिक्चर है uh, मतलब खाना खाते वक्त भी अगर आप मेरे वो देखेंगे वीडियो हिस्ट्री तो फिल्म इतनी बार देख चुकी हूँ बिग बॉस आने के बाद कम से कम तीन बार तो ढोल फिल्म देख चुकी हूँ आपका ढोल बन गया था इसलिए आपको पसंद है इसलिए मुझे गाने पसंद है तो ढोल ताशा पसंद है and ढूल फिल्म है एक्चुअली वेरी मायसे है कितना फन फिल्म है टेल मी थ्री लीड्स फ्रॉम ढूल शिर्टा क्रासपाल सर अरबाज सर एंड कुनाल सर कुनाल हूँ कुनाल की मूव ओके गाने दो ढूल के गाने पता नहीं मुझे स्किप करती हूँ हम गाना मैं क्लिप्स देखती हूँ हाउस आदि अ गाइ एजेंटिस फ्रॉम फिल्मिंग I never met him. No, I've heard he's a bit dramatic. He's controversial. Oh wow! He's a nice guy. He's tall, nice, curly hair. Good human being. Yeah, he thinks he has a good sense of humor, but he doesn't. And he That's thinks what... he thinks he is non controversial, but he is. That's the best compliment you can get for your job. Dude. you're not like other journalists who are subtle and nice to people <laughs> so yeah it was lovely talking to you <laughs> that's it right. yeah sach mein of course ab aur kya baat kare we are done i thought i oh i thought there were more questions you know you tell me we can ask more questions no, no. something i have missed out on no yeah I, i, don't think so we have to talk shit always yeah बहुत कुछ बकवास कर लिया हमने Good, was good questions. I liked it. हम्म mm -hmm. Yeah. अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती हाउस वाइफ होती किसकी पति के अपने कौन से पति <laughs> 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 कौन सा पति बता अरेंज मैरिज कर पांच छह थोड़ी ना रखें कि उनमें से किसी एक को चूज तो, करना है आप तो हां सॉरी अह अरेंज मैरिज आई वुडंट माइंड आई एम फाइन विद अभी भी होगी तो भी चलेगा हम हां यू डोंट वांट टू डेट एन एक्टर और इंडस्ट्री का गाय ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना या वो नहीं करना बट लड़का टॉल होना चाहिए सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए और दिस इज व्हाट आई वुड प्रेफर इवन इफ दिस इज नॉट वुट देर मैं बता रहा हूँ कोई एजेड लड़का मिलेगा इसको आई एम सो हैप्पी आदि दिस बिजनेसमैन आई हैव गॉट रिसेंटली इन माय लाइफ एंड ही इज सच अ लवली पर्सनालिटी आई टेल यू मैं शादी so में जाके तुम लोगों को पिक्चर भेजूंगा कि देखा मैंने बोला था यही क्लिप लगाऊंगा पहले फिर मैं दिखाऊंगा शक्ल ये जो तुम बोलोगे ना अभी आई वॉन्ट टॉल ऑफ नो नो यू विल गेट

हेलो <laughs> मैं हूं आपकी आयशा खान एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू फिल्मी ज्ञान एंड वी आर रीचिंग मिलियन बहुत सारा प्यार दीजिए सारे वीडियोस देखिए और वायरल कर दीजिए प्यार थोड़ा कम कीजिए खुद पर ध्यान प्यार, प्यार कीजिए क्यों नहीं कीजिए नहीं कम कीजिए बहुत लोग बहुत ज्यादा प्यार <laughs> के

मैं सक्का ओस जैसा था। क्या लुसा किया